हेलो फूड लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं मरियम परवेज़ की ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं फ़र्स्ट टाइम खुद भी बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी रेसिपी। सो चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और उसके बाद एक अनियन लेके उसको स्लाइस कट कर लिया है और मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपने मरियम परवेज़ की ढाबा स्टाइल चना दाल नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से वो सिखाती हैं। तो जी, मैं बड़ी शौक़ से देखती हूँ मरियम परवेज़ की रेसिपीज़ और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मरियम परवेज़ की रेसिपी को ट्राई किया जाए। और मैं यहाँ पे प्याज को हिला रही हूँ चम्मच से। इसको हमने पिंक कलर से दो टोन ज़्यादा पकाना है, मतलब कि लाइट ब्राउन कर लेना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो चना दाल में मरियम का कहना है कि तेल ज़्यादा डालें, वरना आपकी जो दाल है वो बिल्कुल ही गंदी शक्ल की लगेगी, और अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो डजंट मैटर, इट लुक्स गुड। और अब मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, ये मज़े की लगती हैं फ्लेवर में। यहाँ पे अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है सारी क्वांटिटीज़, आप चेक कर लीजिएगा। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और अदरक लहसुन को मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ ताकि उसकी जो स्मेल होती है वो भी मतलब ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज के साथ साथ अदरक लहसुन भी मिक्स हो जाए। सो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँ, तो जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मैंने यहाँ पे अब टमाटर ऐड किया है, जो कि एक टमाटर था और उसको मैंने पीस लिया था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और जनाब, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जनाब, अब मैं साथ ही इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिनकी क्वांटिटी और नाम मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। तो जी, अब ये मसाले ऐड कर लिए हैं और अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। और जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो उसके बाद आप समझें कि आपकी जो टमाटर और सारी चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं। तो जनाब, ऑयल ऊपर आ चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चना दाल, जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखी थी और उसके बाद मैंने इसको हाफ बॉईल कर लिया था। तो जी, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करना है कि आपकी जो दाल है वो बिल्कुल नज़र ना आए, मतलब कि पूरी ही डूब जाए पानी में। ठीक है जी, देखें यहाँ पे अब दाल डूब गई है। इसको अब हमने कवर करके रखना है 15 मिनट के लिए। तो जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं बातें करते करते, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको चेक करके देख लिया था, ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी दाल कच्ची रह जाती है तो डजंट मैटर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कवर करके फिर दोबारा रख सकते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर अब ऐड किया है गर्म मसाला 1/2 टीस्पून और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मरियम परवेज़ की दूसरी भी रेसिपीज़ ऐसे ही ट्राई करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, अब मैं इधर ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया, जिससे मज़े का फ्लेवर आएगा, और मिक्स कर रही हूँ। तो जनाब, आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है आँच बंद करके, ताकि खुशबू फैल जाए इसके अंदर, मज़े का फ्लेवर आ जाए। एक बात बताऊँ आपको, ये रेसिपी बहुत ही हिट है यार, क्या मज़ेदार दाल बनी थी। तो प्यारे फूड लवर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, टेक केयर, बाय बाय।